जैसे ही एक टीके का नामा हुआ वो बीमारी आपके फौरन हमला बोल दो ना, बोलो भाई हमला करेगी वो बीमारी फौरन। तो इस्लाम ने बार 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 बुत परस्ती के खिलाफ बोल बोल के हमें बहुत ताकतवर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं। मगर जरासीम बुत परस्ती वाले, दूसरी इसको मैं इंशाल्लाह भी वजाहत करूंगा ताकि वो किधर गया पीछे पकड़ के रखने वाले आप। दूसरी चीज, भगवान को जिस वजह से भगवान बनाया जाता है बुत परस्तों के यहां, हमने भी अल्लाह को उसी वजह से अल्लाह बनाया हुआ है। यानी उनके यहां भगवान की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर भगवान वो काम करेगा तो भगवान है, वरना भगवान की ऐसी की बोल रहे हो समझ में आ रहा है ऐसी की। तो हमने भी अल्लाह को जो अल्लाह फर्ज किया हुआ है उसकी बुनियाद भी वही है। वो काम अल्लाह करेगा तो फिर अल्लाह अल्लाह है, वरना फिर हम अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं। यानी जिस वजह से भगवान को भगवान माना जाता है, इस वजह से हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। अल्लाह करे किसी तरह से बात दिल में उतर जाए और मैं समझा लूं। हम जिस होटल में वहां बैंकॉक में ठहरे हुए थे, तो एंटर होते ही बिल्ली का बुत बना हुआ था, बिल्ली का। वहां तो बहुत सारे बुत थे, दाढ़ियों वाले वगैरह, मैं तो बुतों के पूरा उसमें लिया हुआ, वो जो जहां फरोख्त हो रहे होते हैं ना भगवान सेंटर में, होलसेल के हिसाब से जिस मार्केट में भगवान बिकते हैं वो मार्केट देखी, मुनासिब रेट पर मुख्तलिफ किस्म के भगवान दस्तियाब। हंसे नहीं, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं, भी बता रहा हूँ, हम भी जरासीम, हमें भी वही। अगर हम हंसेंगे तो ये अपने ऊपर हंसेंगे, अभी आ रहा हूँ बस छोड़ूंगा नहीं, आज पकड़ूंगा। तो वो एक भगवान था, हाँ पहले मार्केट थी बहुत बड़ी, माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, भगवान उसमें मुनासिब रेट पर मुख्तलिफ साइज के दस्तियाब, बड़ा भगवान है, दरमियाना है, ये छोटा है, इतने इतने साशे भी थे भगवान के। रक्षों में भी भगवान, टैक्सियों में भी, मैंने कहा शायद वैसे ही तस्वीर लगाइए, पता चला ये पूछते हैं उसको, झुकते हैं उसके सामने। तो एक होटल था, उसमें जब हम जहाँ चंद दिन रहे तो वो उसमें एक बिल्ली भगवान थी जिसने पंजा यूं किया हुआ था, जैसे इस तरह से पंजा किया होता है जैसे किसी को बुला रहे होते हैं। मैंने कहा ये किस टाइप का भगवान है भाई? उन्होंने बताया जो हमारे मेजबान थे कि जिनके साथ हम ठहरे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये जो भगवान है ये इनका अकीदा है कि ये बिल्ली यूं करके बुला रही है, इसका मतलब कस्टमर वापस है, ताकि इस होटल में इनको रिहाइश के लिए कस्टमर ज्यादा से बोलो भाई इशारा कर। ख्याल है कि जब तक ये यूं रहेगा इशारा तो पब्लिक आती है। तो यानी हमें कराची से वहां हारिस भाई ने, सलीम भाई ने नहीं बुलाया, बल्कि उस होटल तक खींचने वाली वो बिल्ली है जो यूं करके बुला रही। तो देखो उन्होंने भगवान को क्यों बनाया, उसको ताकि होटल में कस्टमर ज्यादा है। अगर उनको पता चल जाए कि ये बिल्ली या ये बुद्ध कस्टमर लाने में इसका कोई किरदार नहीं है, तो उसे उठा के दरिया में फेंक। उनके जहन में महम है, हम जो अल्लाह को अल्लाह मानते हैं उसका भी मकसद यही है
कि हमें वो खिलाता रहे, हमें वो पिलाता रहे, हमारी हाजात पूरी करता रहे, हमें सुकून में रखे, हमें टेंशन में ना हो, सब कुछ बिल्कुल सेटिंग सेट चलता रहे और जिंदगी की गाड़ी टापो टाप चलती रहे, बीमार भी ठीक हो जाए, बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, कोई गम ना हो, कोई टेंशन ना हो और बड़े मजे से हंसी खुशी जिंदगी गुजर जाए, सेहत भी अच्छी हो, दौलत भी अच्छी हो। इस वजह से क्या माना जाता है अल्लाह को, बोलो भाई अल्लाह माना जाता है। इस्लाम में अल्लाह का ये तसव्वुर नहीं, तभी उन्होंने औलाद के लिए अलग टाइप के भगवान हैं, भैया औलाद देगा। जाहिर है जो भगवान औलाद देगा अगर उनको पता चल जाए कि ये नहीं देगा तो वो फिर मानेंगे उसको माबूद, वो तो उनके वहम है कि देता है, इसलिए उसको माबूद बना के रखा। हमें ये मालूम है अल्लाह के बारे में कि औलाद देने की ताकत अल्लाह में है, देगा या नहीं देगा ये हमें मालूम नहीं है, औलाद दे तो भी अल्लाह है, नहीं दे तो भी बोलो भाई अल्लाह है। हम बीमार होते हैं, बीमारों को शिफा देने की ताकत किसके हाथ में है, अल्लाह के, शिफा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर बीमार को शिफा दे दे तो भी अल्लाह अल्लाह है, नहीं दे तो भी हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह है फिर भी हमारा रब है, फिर भी हम उससे मोहब्बत करेंगे। आज जरा जरा सी परेशानियों में लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं अल्लाह हमारे काम नहीं करता, तंग आ गया हूं मैं। भाई तुम खुदा बन जाओ, जिसकी हर चाहत पूरी हो वो तो अल्लाह होता है, यफालू मा यशा, जो चाहता है कर गुजरता है, हम जो चाहेंगे वो बोलो भाई नहीं होगा। इसीलिए फिर टेंशन से पागल होते हैं, यार मैं क्या कर रहा हूं और नतीजा क्या निकल रहा है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ना आजकल, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस भी होती हैं, लेकिन इन तमाम लोगों में, उनमें जो मजहब को नहीं मानते उनमें एक टेक्निकल किस्म का फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। आजकल बड़े मशहूर हो रहे इंडिया के, खास तौर पर हजारों का मजमा उनके सामने बैठा होता है, लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, लोग बड़े मुतासिर होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है उनमें, वो फॉल्ट उनकी सारी तकरीर को जाया कर देता है, उसकी वैल्यू जीरो कर देता है, खत्म कर देता है। इसी फॉल्ट को दूर करने के लिए अल्लाह ने 7 लाख पैगंबर भेजे हैं, यही समझाने के लिए। अगर मोटिवेशनल स्पीकर हमारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए काफी होते तो अल्लाह को 7 लाख पैगंबर भेजने की जरूरत बोलो भाई ना होती। जो लोग पैगंबरों को नहीं मानते, उनकी तालीमात को नहीं मानते, वो आपको मोटिवेट तो कर सकते हैं मगर सही मोटिवेट, सही गाइड नहीं कर सकते, उनके पास खुद गाइडेंस नहीं है, आपको कहां से गाइड करेंगे। खुशनुमा बातें हैं, खुशनुमा नारे हैं, वो आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि आप स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, मगर उनको कामयाबी की डेफिनेशन मालूम, बोलते क्यों नहीं यार, इसको कामयाबी की डेफिनेशन ही मालूम ना हो वो आपको कामयाबी का तरीका कैसे बताएगा। जिसको ये ना पता हो कि खीर क्या होती है वो खीर पकाना जानेगा, है भाई। एक आदमी आपसे आके कहता है कि यार आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ यार मुझे ज़रदा पका के दो, हिसाब को अच्छी होनी चाहिए, करेली भी कह सकता था मैं उससे क्या कहता हूँ कि भाई क्या पका के दो ज़रदा, वो कहता ठीक है।
मैं उससे पूछूं तो पता है जर्दा होता क्या है, कह रही ये तो नहीं पता मुझे जर्दा होता क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो आप कहोगे कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि जर्दा किस चीज का नाम है तो जर्दा पकाओगे कैसे अल्लाह के बंदे, तुम तो मुझे पकाओगे, ऐसी चीज मेरे सामने ला के रख दोगे कि मैं पकना शुरू हो जाऊंगा। या दूसरा एक शख्स है जिसे आपने कहा कि भाई जरा जर्दा पका दो, मुझे क्या चाहिए, जर्दा चाहिए, या मुझे तरकीब बता दो, मैं भी वहां तक पहुंचना चाहता हूं, तुमने जर्दा पका के खाया तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी वो जर्दा खाऊं। तो वो जवाब में आप वो कहते ठीक है, फिर आप उससे कहते हैं कि तुम्हें जर्दे की डेफिनेशन मालूम है, जर्दा होता क्या है। तो पहला शख्स को तो पता ही नहीं था, दूसरे को गलत पता है, दूसरा निहारी को क्या कह रहा है, जर्दा। उसने जो जर्दे की डेफिनेशन बयान की उसमें ऊंट का गोश्त है, कोई नमक और लहसुन अदरक और क्या डलता है भाई, आटा, तो सारी चीजें वो बयान कर रहा है, उसमें चावल कहीं भी आई नहीं रहे, चीनी का नाम और निशान नहीं है, जो जर्दे के बुनियादी रुकन है भाई, चावल और चीनी के बगैर तो जर्दे का तसव्वुर ही, चलो चावल और चीनी का जिक्र करता तरकीब थोड़ी सी चेंज हो जाती तो हम ये कहते कि ये अपने मुल्क के जर्दे की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ शायद इस स्टाइल में पकता होगा। जर्दे जर्दे में भी तो फर्क होता है ना, जर्दे से एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें छोड़े करने में टॉपिक चेंज हो जाएगा, वो टॉपिक से हट कर है असल में। तो उसने जो डेफिनेशन बयान की जर्दे की वो निहारी पे फिट हो रही है जाके, वो किस पे फिट हो रही है, आप उसे हाथ जोड़ के कहेंगे अल्लाह के बंदे तू मुझे जर्दे के अलावा कुछ और सिखा दे, जर्दा बोलो भाई। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी अक्सरियत, सबकी बात नहीं कर रहा, इनकी अक्सरियत मेजॉरिटी जो मजहब को नहीं मानती है, मजहब से दूर है, उनकी बात कर रहा, इनको कामयाबी की डेफिनेशन मालूम है ही नहीं, और जिन्हें मालूम है वो गलत मालूम है, वो हकीकत में वो डेफिनेशन कामयाबी की नहीं है। तो जिसको डेफिनेशन मालूम ना हो कि कामयाबी किसे कहते हैं, या गलत डेफिनेशन मालूम हो, वो आपको कामयाबी का रास्ता कैसे बताएगा, जो ठट्ठा को हैदराबाद समझ रहा हो तो वो हैदराबाद के नाम पे आपको कहां पहुंचा देगा, ठट्ठा पहुंचा देगा भाई, मंजिल ही अलग है उसकी। ये जो दुनिया है, दुनिया इसमें कामयाबी हकीकत में कामयाबी है ही नहीं। अगर ये हकीकी कामयाबी होती तो इसके लिए मेहनत करने का अल्लाह लाजमी सिला देते, यहां कामयाबी की कोशिश करते, अल्लाह उस कोशिश को नाकाम ना करता। हम देखते हैं कि बहुत सों को कोशिश के बगैर दुनिया मिलती है और बहुत सों को कोशिश करके भी हाथ में कुछ नहीं आता, ये कैसी बात है, अल्लाह कैसा माज अल्लाह जालिम है कि जो कामयाब होना चाहता है और कोशिश कर रहा है अल्लाह उसे कामयाब नहीं कर रहा, और जो नहीं होना चाह रहा अल्लाह उसे कामयाब कर देता है। तो या तो अल्लाह के फैसले गलत हैं, या इसकी अलामत है कि आप जिस चीज को कामयाबी समझ रहे हो, इस कायनात को बनाने वाला, उसे कामयाबी नहीं समझ रहा। भाई मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात है भाई? देखो दुनिया में बहुत दफा ऐसा होता है, आप कामयाबी के हुसूल की कोशिश करते करते जिसको दुनिया कामयाबी कहती है आप हो भी जाते हैं, और बाज़ दफा नहीं भी होते, बल्कि और नाकाम हो जाते हैं। बल्कि हम दुनिया में देखते हैं कि जो कामयाबी का जरिया था वही जरिया नाकामी का जरिया बन जाता है, इलाज हलाकत का सबब बन जाता है।
कितनी चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए पैदा की है, सारी दुनिया जानती है वो फायदे के लिए। बादाम ये खुश्की बढ़ाता है या खुश्की जिस्म से खत्म करता है? बोलते ही खत्म करता है ना, लेकिन यही बादाम बाज लोगों को रिएक्ट कर जाता है और खुश्की खत्म करने के बजाय बादाम का जो तेल है ना बाज दफा बाल गिरा देता है। जी बात है या नहीं? हालांकि बादाम के तेल से बाल उगते हैं, क्योंकि तेल है ना वो, पियोगे तो क्या होगा भाई? आप लोग को तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, बादाम को मुंह हिला दिया कि तो माजरत के साथ थोड़ा सा। बादाम का जो तेल है वो खुश्की खत्म करने का बहुत बड़ा जरिया है। जिनको नींद ना आती हो वो बादाम का तेल खुद जुड़िया बाजार से जाके निकलवाएं, दुकान से ना खरीदें। खालिस वालिस बहुत देख लिया हमने, अभी जो मैंने बहुत खुशबू लगाई हुई है ना खालिस समझ के लगाई हुई है, आने के बाद पता चला कि खालिस बोतल पे लिखा हुआ होता है 100% ओरिजिनल, लेकिन जब लगाई तो मुझे अंदाजा हुआ कि जुकाम ना हो जाए शाम तक, पता ही नहीं चलता ओरिजिनल का। तो जूड़िया बाजार से जाएं बादाम खरीदें, अमरीकी बादाम नहीं, वो बड़े बड़े देखने के होते हैं, उनमें जायका नहीं होता। कंधारी बादाम या ईरानी बादाम खरीदें और सामने ही वहाँ तेल निकालने वाले बैठे हुए हैं वहाँ तेल निकाल के खाएं। जब अपने खर्चे पे इतनी मेहनत करता है इंसान तो बादाम में वैसे भी तेल ज़्यादा पैदा हो जाता है, फिर जब वो आप एक चमचा दूध में डाल के सुबह नाश्ते के बाद खाएंगे पिएंगे तो आप देखें आपको बड़ी फ्रेशनेस महसूस होगी इंशाल्लाह। तो विटामिन ई का खजाना है, लेकिन वही बादाम का तेल बसा अवकात क्या कर जाता है? नुकसान कर जाता है। हकीम लोग कहते हैं मुआफिक नहीं आया, भाई तुमने तो वाट लगा दी ना, अब मुआफिक नहीं आया, अच्छे भले सही चल रहे थे तुमने बादाम मिला के क्या कर दिया, और होता है ऐसे। तो जो कामयाबी का सबक था वो क्या बन गया, मंजिल से दूर कर दिया उसने आपको। डॉक्टरों के साथ तो ऐसा होता रहता है, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं भाई। अभी मैं थाईलैंड में गया था, डॉक्टर भी बैठे हुए थे उसमें, चंद अच्छे डॉक्टर थे, वो आए उन्होंने कहा कि आपने जो डॉक्टरों की वार्ड में लगाई अल्लाह का वास्ता, सारे एक जैसे नहीं होते। तो मैंने कहा मैंने सबकी वार्ड भी नहीं लगाई, उन्होंने कहा ये जो हमारी पब्लिक है ये फिर सबको एक ही लाठी से हाँकती है। उन्होंने अपना वाक्य सुनाया, हमने किसी को टेस्ट लिख कर दिया, वो ज़रूरत थी उसकी, वो हमसे लड़ने लगा, कहीं मेरा बयान सुना हुआ था उसने कि डॉक्टर वो के खांचे होते हैं लेबोरेटरी वालों के साथ सही, बिना वजह भी टेस्ट लिख के देते हैं। तो भाई जरूरी नहीं कि हर टेस्ट बिना वजह ही लिख के दिया हो आपको, तो जो जब किसी डॉक्टर के पास गए हो तो जाने से पहले तहकीक कर लो कि सही है गलत है, जब चले गए तो फिर जो वो कह रहा है वो करना पड़ेगा, फिर अपनी नहीं चला हुआ है। तो इसलिए मुझे वो डॉक्टर से मुलाकात के बाद एक साहब मिले, उन्होंने कहा डॉक्टर कैसे होते, मैंने कहा परसों तक तो अच्छे नहीं थे, कल से अच्छे हो गए। कल से जब से मुझे मुलाकात हुई इससे पहले की रिपोर्ट कर, तो वो रिपोर्ट पहले भी यही थी कि भाई सारे खराब नहीं होते। तो बसा औकात डॉक्टर मुखलिस है, इलाज भी सही कर रहा है, मगर उससे इलाज कराना मौत का सबब बन जाता है। दो वाकयात तो मेरे सामने ऐसे हैं कि आंख मामूली सी खराब थी, आई स्पेशलिस्ट से इलाज कराया बिल्कुल ही बिनाई चली। दो वाकया तो हमारे एक तो रिश्तेदारों का वाकया है और एक दोस्त का वाकया। आई स्पेशलिस्ट ने ड्रॉप दिए आई ड्रॉप कि ये आंख में डाल दें, जैसे ही एक कतरा डाला है बिनाई जाना, बोलो भाई जाहिर है डॉक्टर की ना तो कोई दुश्मनी थी ना वो आई ड्रॉप कोई ऐसा ड्रॉप था जो मेडिकल स्टोर में बिक रहा है, आम बिक रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने जानकर ख्याल रखिए, क्योंकि वो अगर ड्रॉप से अंधे हो रहे होते तो बाकी क्यों नहीं हुए थे। यहां आपने आंखों के लिए मेहनत की जो आपके बस में था, लेकिन अल्लाह ने आपकी मेहनत को रिवर्स गियर लगा दिया, क्या कर दिया भाई,
उल्टा हो गया मामला। वो अगर ड्रॉप का इस्तेमाल ना करते तो जितनी बिनाई थी थोड़ी सी वो तो चलती रहती ना। एक और अभी हमारे करीबी रिश्तेदार है, उनके साथ ऐसा हुआ। बहुत बड़ी क्लिनिक है, बहुत बड़े डॉक्टर है, आंख का इलाज कराया और बिनाई जब तक इलाज नहीं कराया तो सेट थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आंख खराब हो तो इलाज ना कराए, हो जाता है। तो अब किसको मलामत करोगे भाई? बाज़ार डॉक्टर की भी कोताही हो सकती है, लेकिन आपने तो अपनी आपकी जो समझ में आया आपने उस हिसाब से तो ठीक किया ना। लेकिन बजाय फायदा होने के क्या हो गया? हालांकि इलाज जिस्म को फायदा पहुंचाने के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मेरे हमजुल्फ, सगे हमजुल्फ जवान आदमी, बुखार चल रहा था एक हफ्ते से, हल्का हल्का मामूली सा नजला भी था, जुकाम भी था, अच्छे वाले चल रहे थे। उनको ख्याल आया कि यार ये थोड़ा बहुत चल रहा है तो मैं ज़रा किसी डॉक्टर को दिखा दूँ। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। 2 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन ने रिएक्ट किया है और मौत वाकई हुई। 2 घंटे के अंदर मौत वाकई हो और डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करके फरार। जो इलाज था, यानी अब यहाँ लोग बातें तो बहुत करते हैं ना, डॉक्टरों को किया गया ना क्लिनिक। भाई अमेरिका में भी होता है ये लंदन में भी होता है, हर जगह होता है। और मुमकिन है डॉक्टर की कोताही भी हो इसमें, उन्होंने टेस्ट नहीं किया कि कौन सा फीवर है, इसमें कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए। डॉक्टरों की भी बात ज़्यादा कोताही होती है, लेकिन जो कहने की बात है वो असल बात यह है कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो इलाज कराने के लिए गया था, उसने जो उसके बस में था वो किया कि नहीं किया सेहत के लिए। लेकिन उसने जो मेहनत की वो मेहनत का रुख भी सही, सिम्प भी सही, मगर फायदे के बजाय जबरदस्त नुकसान हो गया, जिंदगी से हाथ तो बैठा। तो जब इतनी अहम अहम चीजों में हमारी मेहनत जाया हो जाती है, तो ये जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप मेहनत करोगे तो कल आप वहां होंगे जहां आज मैं हूं, जरूरी नहीं है, मुमकिन है कल आप इससे भी जाओ जहां आप आज खड़े हुए हो। मेरी इस तकरीर का मतलब किसी की हौसला शिकनी नहीं है, किसी को सुस्त और काहिल बनाना नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दो, ये मकसद हरगिज नहीं है। बाज लोग कहते हैं भाई अगर कोई मेहनत कर रहा है और उसको अच्छी उम्मीदें हम दिला रहे हैं, उम्मीदें रखनी चाहिए, लेकिन ये उम्मीद नहीं कि मैं ये जो चाह रहा हूं यही बनूंगा। उम्मीद का मतलब ये है कि मेरे बस में जो कुछ है मैं कर रहा हूं, अब जो होगा मेरे हक में इंशाल्लाह, बोलो भाई बेहतर होगा, चाहे मैं वहां तक पहुंचू या ना पहुंचू। इसलिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं किसके कहने पे कर रहा हूं? मैं अगर बादाम का तेल निकाल के पी रहा हूं दिमाग की खुश्की दूर करने के लिए, तो ये किसका हुक्म है भाई? अल्लाह का हुक्म है कि सेहत का ख्याल रखो। अब अल्लाह की मर्जी खुश्की दूर कर दे या वो खुश्की छोड़ो भाई बढ़ा दे, क्या ख्याल है? और याद रखो दिमाग में खुश्की बादाम से परहेज से इतनी नहीं होती जितनी टेंशन से होती है। बादाम खा रहे हैं खुश्की दूर नहीं हो रही तो टेंशन ले रहे हैं, इस टेंशन से जो परेशानी जो बाल गिरेंगे ना वो खुश्की से नहीं गिरेंगे। और टेंशन फ्री जिंदगी जमी मिलती है जब आदमी अपनी रिजा को अल्लाह की रिजा में फना कर, ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये हम भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारी स्पीच की भी कदर करो, काम करो जो समझ में आ रहा है, जो बेहतर लगता है शरीयत के मुताबिक, और मेहनत करो और नतीजा किस पे छोड़ दो? जो होगा सही होगा, कामयाब हो गए ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, क्योंकि असल कामयाबी ये कामयाबी बोलो भाई है ही, सब ठीक। मेरे पास लोगों के फोन आते ना, हजरत ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, तो सब सेट चल रहा है, सब सेट है। अरे कैसे सेट है हजरत, ये हो गया बस जाने। बहरहाल परेशानी आती है, मैं ये नहीं कह रहा,
लेकिन एक परेशानी अल्लाह की तरफ से आती है जिसमें इंसान का इख्तियार नहीं होता, और एक सोच सोच के इंसान खुद परेशान हो। आजकल की जो परेशानियां हैं वो खुद साख्ता हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिसे कोई परेशानी नहीं है ना, अल्लाह की कसम वो इस बात से परेशान होना शुरू हो जाता है कि यार ये नॉर्मल लाइफ में गुजर रही है। बिला वजह बहमी बच जाएगा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं हो अंदर से सिस्टम खराब हो रहा मेरा, अजीब अजीब पागल पने की चीजें चल रही। मियां बीवी की जो लड़ाइयां होती है ना बिला वजह होती है, अच्छी भली चल रही है खाम खाम इसको वहम होना शुरू हो जाएगा, ये अच्छा भला चल रहा है बेगम को खाम खाम इसके बारे में वहम होना बिला वजह, ये पता नहीं इतना ठीक ठीक क्यों चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है। तो अच्छाइयां देखते ही नहीं एक दूसरे की, बुराइयां ही देखते रहेंगे, और बोझ इनाद इसकी वजह से भी इंसान को टेंशन होती है। बात से बात निकलती है, दरमियान में टॉपिक रोक के एक छोटी सी बात कहता हूं। देखो जो सियासतदान है ना उनकी खातिर एक दूसरे से नफरतें पैदा मत करो। अगर कोई पीटीआई का है, जेयूआई का है, मुत्तहदा मजलिस अमल का है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का है, या जमात इस्लामी में है, कहीं भी है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इनकी वजह से एक दूसरे से नफरत, बोलो भाई, ये सियासतदान आपस के इख्तलाफात भुला के अपने मफाद में बैठ के चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन नीचे के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ बोल बोल के इतनी नफरतें पैदा कर लेते हैं अपने दिल में कि बहुत से तो बयान सुनना छोड़ देते हैं। बोले मुफ्ती साहब आपने पीटीआई की उस दिन बयान में इमरान खान के बयान की फला तारीख को एक जुमले की हिमायत की थी, मैं अब आपका बयान नहीं सुनू। और इसी तरह अगर एक साहब, मैंने एक जगह मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत की तो पीटीआई के एक साहब थे मेरा बयान सुनना, मुझे किसी लड़के ने बताया उन्होंने बोला आज से मुफ्ती साहब का बयान खत्म, मैं तो इनको इतना नेक आदमी समझता था, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ कर दी। भाई मैं कौन सा कोई कुरान बयान कर रहा हूं, एक राय है ना, राय हमारी कौम में राय का गलत होना ये इतना बड़ा मसला नहीं है, राय तो कभी सही होती है कभी गलत होती है, हम कौन सा आलिमुल गैब है, तबसरा ही होता है ना, दिलों के हालात भी नहीं जानते कौन एजेंट है कौन क्या है, जाहिर को देख के फैसला करते हैं जो सही भी हो सकता है और गलत, इसी के हम मुकल्लफ हैं, तो गलत ही हो सकता है, फैसले का सही या गलत होना इतना बड़ा इशू नहीं है, किसी की राय को बर्दाश्त ना करना इससे आप तबाह हो जाओगे। हमारी कौम का अलमिया ये है, बदगुमानी बदगुमानी बदगुमानी, कोई किसी की तारीफ कर दे एजेंट बना देंगे फौरन उसको, पैसे लेता है वहां से, बूट पॉलिशी है, ये करता है वो करता है, बुराई करोगे ना किसी की रुकने है बहादुर आदमी है, टंके की चोट पे बैठ के फला को बोलते कि चोर है, क्या फायदा भाई, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है आपके पास, अगर है भी तो हमारे पास नहीं है, जब एक चीज है ही नहीं हमारे पास इल्जाम लगाते रहो बैठ के। अभी आप देख लें जो अभी कादियानी का जो नामजद किया गया गलत किया, हमने भी उसके खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन उस पर इतना ज्यादा एब्यूज लैंग्वेज दोनों तरफ से इस्तेमाल की गई है, गुलो मुबालगा, ये गलत है मेरे भाई, इन सियासतदानों की वजह से आपस की मोहब्बतें खत्म मत करो। घर में ऐसा होता है एक भाई पीटीआई का है दूसरा किसका है, हम मदरसों में देखते हैं, हमारे मदरसों में ऐसा कुछ पीटीआई के हामी है कुछ जमीयत के हामी है, वो तलबा आपस में लड़ रहे हैं, तुम जिस मदरसे में मोहब्बत सीखने के लिए आए और मोहब्बत सिखाने के लिए आए उसी मदरसे से नफरतें लेके निकलोगे तो कौम की क्या तबलीग करोगे। हमने अपने बचपन में ये सियासी इख्तलाफात देखे हैं लेकिन आपस में लड़ाई नहीं देखी। हमारे करीबी रिश्तेदार जब जियाउलग के दौर था उन्होंने रेफरेंडम करवाया था, हाँ में वोट दो जबरदस्ती, इसमें वोट दो हाँ,
वैसे ना का ऑप्शन भी था कि नहीं भी है, लेकिन मतलब यह था कि है क्या, हाँ ही हाँ है, ठीक है। वो रेफरेंडम ये हुआ था कि मैं मजीद 5 साल के लिए सदर बनना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं कि हाँ तो हाँ पे ठप्पा लगाएं, और अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो किस पे ठप्पा लगाएं, ना पे। लेकिन उस तो माशाल्लाह वो थे बहुत समझदार, उन्होंने होशियारी ये की थी कि मुझे अगर चाहते हैं तो इसका मतलब है इस्लाम भी चाहते हैं, तो वो उन्वान ये दिया गया था कि आप इस्लाम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस्लाम चाहते हैं तो हाँ, इस्लाम नहीं चाहते तो ना। कौन मुसलमान ना पे ठप्पा लगाएगा जाके, वो तो उभर कर खतरा होगा उसको। तो एक माशाल्लाह होशियारी ये की थी, दूसरी होशियारी ये की थी कि चूंकि फौज ही रेफरेंडम करवा रही थी और उस पूरी बहुत जबरदस्त पावर थी उस वक्त, तो उसमें ये था कि भाई अगर ना वाले ज्यादा हो जाएं तो हिदायत थी कि हाँ के ठप्पे खुद बहुत गवर्नमेंट बोलो भाई ज्यादा, गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत थी अहलकार को कि गिनती करने के बाद या पहले जिस तरह से मुनासिब समझो, हाँ वो हर महल्ले में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मुझे वो ऊंट वाला किस्सा याद आता है थोड़े भी, तो हमारे एक रिश्तेदार थे, हम सब जाके, हम तो बच्चे थे लेकिन हमारे सारे बुजुर्ग जाके हाँ हाँ पे ठप्पे लगा रहे थे, भाई हाँ इस्लाम तो चाहिए। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी अहलिया ने ना पे जाके ठप्पा लगाया, इस पे ठप्पा लगाया, तो उनके शौहर उनसे लड़ रहे कि नालायक तू इस्लाम नहीं चाहती, उसने कहा इस्लाम चाहती हूँ, मुझे जवलत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगती जवलत की, मुझे अलग है, पीछे बड़ा नूरानी चेहरा था सैर जवलत का, लेकिन उन खातून को चेहरा पसंद है। तो भाई ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि सब हंस पड़े इसलिए कि भाई तो शक्ल अच्छी नहीं है, ना पे लगा, कोई इख्तलाफ नहीं, गरीबान पकड़ा हो तू जो है ना अपोजिशन की है और ये है और फलाना, आज पता नहीं क्या हो गया है, किसी को ये बता नहीं सकते कि मैंने वोट किसको दिया है, बता दिया तो गए, अगर आपने मजलिस अमल को वोट दिया और पीटीआई जीत गई सारी जिंदगी ताने मिलेंगे, हार गए शिकस्त खुर्दा लोग, दुम दबा के भाग रहे हैं, और अगर आपने पीटीआई को वोट दिया और वो जीत गए और कोई उल्टा काम कर दिया उन्होंने तो आपकी खैर, दिया ना हम कह नहीं रहे थे यहूदियों का एजेंट है, वोट दिया ना भुगतो, आतिमिया को बना दिया उसने, अरे मैंने थोड़ी बनाया है, वो बंदा कह रहे चीख चीख मैंने थोड़ी बनाया, भाई वोट तो आपने दिया था ना। तो भाई इतनी नफरतें पैदा करने की जरूरत है, इतना सीरियस मत लो, वोट देने से पहले 100 दफा सोचो, मशवरा करो, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, फिर आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। वो बचपन में एक ड्रामा देखा था इलेक्शन से पहले, अब हम नहीं देखते अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामे, तो बचपन में ही तौबा कर ली थी, उसमें इलेक्शन में कुछ लोग खड़े हुए तो लोग नारे लगा रहे हैं और फलाना आएगा तो फलाना आएगा, तो कुछ लोग बहुत बड़ा जलसा करके पूरी रैली निकाल रहे हैं और रैली में नारे लगा रहे हैं आएगा भाई आएगा, एक आदमी कहता है आएगा भाई आएगा, सब कहते हैं कोई ना कोई तो आएगा। किसी ने पूछा ये क्या मजाक है भाई, उन्होंने कहा असल में अगर हम एक मखसूस शख्स का नारा लगाएं कि वो ही आएगा, फिर अगर वो नहीं आया तो हमें शिकस्त होगी, महल्ले में मुंह छुपा के गुजरना पड़ता है, कपड़ा डाल के गुजरना पड़ता है, लोग बोलेंगे देखो मार खा गए, जलील हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए हमने नारा ऐसा लगाया कोई भी आएगा तो वो, हम कहेंगे हमने तो पहले ही बोला था कोई ना कोई तो आएगा, आएगा भाई आएगा, वोट जरूर दें जिसको आप बेहतर समझते हैं, मगर नारा क्या लगाएं, आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे, समझ रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ टेंशनें अल्लाह की तरफ से होती है, वो गम अल्लाह की तरफ से आते हैं, उसमें अल्लाह सबर की तौफीक भी देता है, लेकिन ज्यादातर गम हमने अपने ऊपर खुद बखुद बोलो भाई मुसल्लत किए हुए हैं, बिला वजह की टेंशन है जिसे कहा, उसकी बड़ी वजह यह है कि अल्लाह पर ईमान कामिल नहीं है, इस दुनिया को हकीकत समझ रहे हैं,
हालांकि ये हकीकत नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। मैं अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला के जब हम बयान सुनते थे तो हर बयान में एक ही बात, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है। जो लोग आते थे वो बोले जाते थे, यार ये क्या बात करते हैं, हर बयान में एक ही बात, गुनाह छोड़ोगे मुसाफिर खाना है, गुनाह छोड़ोगे ये क्या है। तो अहरुल्लाह को इसकी परवाह नहीं होती कि लोग बोर हो रहे हैं खुश हो रहे हैं, कहते हैं असल मकसद ही है, दिमाग में ये बात बैठ जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो स्पीकर होते हैं मोटिवेशनल, इनके टेक्निकल जो मजहब से दूर हैं उनमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है, वो इस दुनिया को क्या समझते हैं, कामयाब। अगर ये हकीकत में कामयाबी होती तो यहाँ स्ट्रगल और मेहनत का नतीजा लाजमी निकलता। आप कह सकते हो कि हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मैंने बताया कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अगर आप अच्छी उम्मीद रख लो और 100% यकीन कर लो कि मुझे इस मेहनत का सिला मिलेगा, लाजमी मिलेगा, कोई आपको थपकी देके चला गया कि लाजमी आपको इस मेहनत का सिला मिलेगा, तो सवाल पैदा होता है मिलने के बाद क्या हो जाएगा, है भाई मिलने के बाद क्या वो सिला आपके साथ रहेगा। अरे आपने मेहनत की, आपने एक हदफ बनाए कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा। ये जो टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करवाते हैं ना, इसमें एक अंग्रेज का कॉल नकल किया जाता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक गोरे ने ये बात कही है कि फर्ज करें कि आप अभी मर रहे हैं, आप अभी क्या हो रहे हैं आपके साथ, गोरे अपनी कौम को ना टाइम का पाबंद बनाने के लिए ये बात कहते हैं। भाई सवाल पैदा होता है अपने टाइम की क्यों पाबंदी करें, हम अपने टाइम को बचाए क्यों, टाइम को कीमती क्यों बनाए। भाई टाइम मैनेजमेंट का ये मकासद में से एक मकसद ये भी है ना कि हम अपने औकात को क्या बना लें, जाया होने से बचा लें हम। तो सवाल पैदा होता है क्यों बचाएं, जाया हो गया तो क्या हो गया। तो उसके लिए गोरों ने एक मिसाल फर्ज की है समझाने के लिए कि आप फर्ज करें आप मर रहे हैं, अभी दुनिया से जा रहे हैं, आप लोग तो जिंदा है ना माशाल्लाह, है भाई, फर्ज करें कि आप अभी दुनिया से जा रहे हैं। अब आप अपनी माजी की तरफ पलट के देखते हैं कि मैंने 60 साल 70 साल 40 साल की जो जिंदगी गुजारी, गोरा ये कहता है अपनी कौम को उभारने के लिए समझाने के लिए कि आप फर्ज करें कि आप मर रहे हैं और आप माजी में झांक के देख रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे कि मैं जब मरूं तो मेरा जमीर मुतमईन हो कि बामाना जिंदगी गुजार के जा रहा हूं, या उस वक्त ये चाहते हो कि जमीर मलामत करे और जमीर कहे कि तुम बेमाना, मीनिंगफुल लाइफ होती है ना, बामाना जिंदगी, बामकसद जिंदगी गुजार के जा रहे हो या जिंदगी जाया करके जा रहे हो, बेमकसद जिंदगी गुजार के जा रहे हो। तो सच जवाब में कहते हैं कि हम सब माजी को झांक के यही कहेंगे कि काश हमने बामकसद जिंदगी, बोलो भाई, गुजारी होती तो आज इतनी हसरत से मर न रहे होते। ये चीज आपको मोटिवेट करती है कि भाई मौत का वक्त, मौत के वक्त आपकी ये तासुरात होंगे तो अभी से सीधे हो जाओ। भाई मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात की, क्या कह रहे हैं आप, ये गोरों की बात कह रहा हूं, गोरे अपनी कौम को मोटिवेट करने के लिए कि अपने एक मीनिंगफुल लाइफ, क्योंकि टाइम को मैनेज करने की जरूरत उसी को होगी जो मीनिंगफुल लाइफ गुजारना चाहता है, बामकसद जिंदगी गुजारना चाहता है, क्या ख्याल है। तो कौम कहेगी क्यों हम बामकसद जिंदगी गुजारे, तो कह रहे भाई देखो मरोगे एक दिन, मरोगे तो ना, वो तो गोरे भी मानते हैं ना मरेंगे, तो मरते वक्त तुम खुशी खुशी मरो ये ज्यादा बेहतर है या गम के साथ मरो। अरे बाबा आप तो जिंदा है बोलने भाई, आप क्या बोले, सब यही बोलेंगे भाई हम चाहते हैं खुशी खुशी दुनिया से जाएं, गम के साथ दुनिया से ना जाएं, और खुशी किस बात की, तसल्ली हो हम मीनिंगफुल लाइफ गुजार के जा रहे हैं, इस बात की खुशी के साथ रूह परवास करें, क्या ख्याल है।
और अगर टाइम को मैनेज नहीं किया और मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजारी तो मरते वक्त क्या ख्याल होगा यार, बामकसद जिंदगी नहीं गुजारी, टाइम वेस्ट किया, तो अब जो है वो अफसोस होगा। तो उस दिन की टेंशन से बचने के लिए टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करें, गोरा कहता है, और अपनी जिंदगी को क्या बनाए, मीनिंगफुल लाइफ। मैंने जब ये टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप की तो जब ये गोरे की मिसाल सामने आई, मैंने कहा जब मैं मर ही रहा हूं है, मेरे से में इश्काल पैदा हुआ कि यार मैं मर रहा हूं, बोलूंगा बाढ़ में जैसी गुजरी है गुजर गई, अब क्या करना है, क्या ख्याल है भाई, अब तो गुजर गई, अच्छी गुजरी बुरी गुजरी, अब टेंशन क्यों लूं भाई मैं, पहले कम टेंशन है जो बेमाना जिंदगी गुजार के जो टेंशन हासिल हुई है, अब तो यही है कि भाई अब जैसी गुजरी अब तो कुछ अल्लाह करे कोई खुशी से रूह निकल जाए। दूसरी बात यह कि जब रूह निकल ही रही है तो गम से निकले खुशी से निकले, जो असल जवाब है, उस वक्त तो गम भी होगा तो तसल्ली होगी कि ये गम थोड़ी देर में, पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप मुतमईन हो जाए, एक मसनूई तरीका है कौम को मोटिवेट करने का। दूसरी बात यह कि मीनिंगफुल लाइफ कहते किसे हैं उनकी नजर में, कारामद इंसान, कारामद किसे कहते हैं, जिसने अच्छी जिंदगी गुजारी हो, अच्छी किसी कहते हैं, घूम फिर के बात क्या है कि जिसने मजे की जिंदगी गुजारी हो उसे क्या कहते हैं, अच्छी जिंदगी। तो मजे की जिंदगी तो आवारा गर्दी में, क्या ख्याल है, स्नोकर डब्बू शब्बू खेलो, आप कह सकते हैं इससे फ्यूचर तबाह होता है, हाल तो बन जाता है ना इससे, क्या ख्याल है। मैं भाई को लतीफा कई दफा सुना चुका हूं, लेकिन वो इसलिए कि वो जब तक नहीं सुना बात समझ में नहीं आएगी। वो एक जवान आदमी समंदर के किनारे पड़ा हुआ सिगरेट के कश ले रहा है, एक बूढ़ा आदमी वहां गया, उसने कहा यार ये जवान आदमी बामाना जिंदगी बोलो भाई नहीं बोल रहे, मीनिंगफुल लाइफ नहीं, इससे मौत के वक्त हसरत होगी कि मैंने सारी जिंदगी क्या किया, तो अब इसको मीनिंगफुल लाइफ के लेकर आओ। उन्होंने भी टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप, टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप लाजमी करें, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तो बता रहा हूं कि जब तक मजहब नहीं होगा, इस्लाम नहीं है, सब बेकार है, बर्बादी है, नहीं मिलेगा सुकून, कुछ भी कर लो। तो वो नौजवान पड़ा हुआ है समंदर के किनारे और कश्मीर से करके बड़े मजे से, एक बुजुर्ग गए, ख्याल हुआ इसको टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करवाते हैं ताकि मीनिंगफुल लाइफ गुजारे। उस नौजवान से कहा कि बेटा तुम कुछ यहां क्यों पड़े हुए हो, उसने कहा फिर क्या करूं अगर यहां ना पढ़ू, सिगरेट विगरेट ना पीऊं, बेटा कुछ पढ़ लो मैट्रिक कर लो। अच्छा जी फिर क्या होगा, कहा 10 साल में मैट्रिक होगा, 10 साल में कम नहीं है। नौजवान ने पूछा फिर उसके बाद क्या होगा, उन्होंने कहा फिर इंटर करना, 2 साल उसमें लगे, 12 साल हो गए टेंशन में, 12 साल किसमें हो गए, फिर क्या होगा, फिर बेटा बीकॉम बीएससी भी ये कुछ भी कर लेना, फिर क्या होगा मास्टर कर लेना, 16 साल गए ना, 16 साल के बाद हजरत जी फिर क्या होगा, काफी कोई पीएचडी कर लेना या कोई कुछ भी बन जाना, चलो पीएचडी डॉक्टर बन गया, फिर क्या होगा बेटा, फिर जॉब करना, 18 साल गए, फिर जॉब करके क्या होगा, तनख्वाह आएगी ठीक ठाक, फिर क्या करूंगा भाई, तनख्वाह जब आएगी तो एक अच्छे खानदान में अच्छी फैमिली की बीवी मिल जाएगी, आपको खाते पीते हो गए तो अच्छी सी बीवी ले आना, फिर क्या होगा फिर तुम्हारे बच्चे हो गए, फिर क्या होगा घर बनाना, फिर क्या होगा मजे उड़ाना। नौजवान ने पूछा फिर क्या होगा, तो बुजुर्ग ने कहा कि फिर क्या करना बेटा, फिर मजे उड़ाना। उसने कहा अभी क्या कर रहा हूं, उस नौजवान ने कहा कि अभी क्या कर रहा हूं, भाई जिंदगी का मकसद अगर मजे उड़ाना है, मजे ही तो उड़ा रहा हूं, ये कैश मजे है, आप जो बता रहे हैं वो क्या है, उधार है, और उधार अक्सर लोग लेके भाग जाते हैं, हर आदमी मैट्रिक नहीं कर पाता, दिल नहीं लगता स्कूल में बसा होगा, हर आदमी इंटर, हर एक पीएचडी नहीं कर पाता, और हर एक डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिलती,
जॉब मिल जाए तो बीवी नहीं मिलती ढंग की। चंद दिन पहले किसी ने बताया कि वो उनके एक दोस्त थे, वो पढ़े लिखे ठीक ठाक एजुकेशन में आगे बढ़े, कह रहे हम काहिल थे, पढ़ते ही नहीं थे। जिन्होंने इतनी मेहनत की होते होते शादी के बाद बेगम ऐसी मिली कि आधा सर उनका गंजा हो गया है, थोड़े से बाल मैंने खुद चेक किए होते, थोड़े से रह गए, चित्रौन लगा रही है, जिंदगी का सुकून क्या हो गया उनका, बोलो भाई बर्बाद हो गया। तो वो बेरोजगार कह रहे हैं यार मैं ज्यादा मजे में हूं, ठीक है, इन पर इतना कमा के भी टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसे हमने बहुत देखे हैं। तो उसने कहा बाबा जी आप जो मुझे मजे उड़ाने का तरीका बता रहे हो उसमें बड़े मसाइल हैं, हर एक को जॉब मिलती नहीं है, जॉब मिल जाए तो जरूरी बीवी अच्छी मिले, बीवी मिले तो जरूरी की औलाद भी हो जाए, औलाद तो जरूरी की वो औलाद अच्छी मिले, वही औलाद सरगंजा करना शुरू कर देती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं आप मेहनत ना करें, मैं असल बताना चाह रहा हूं कि ये तमाम बातें मीनिंगफुल लाइफ और ये सब इनका ये हासिल है कि मजे की जिंदगी हो, अय्याशी की जिंदगी हो। इस्लाम इसको कामयाबी नहीं कहता, सफर की अय्याशी भी कोई अय्याशी है। और अजीब बात यह है कि आप इस दुनिया को अगर मंजिल बनाओगे तो झूठी चीज को जब मंजिल बनाओगे जो मंजिल नहीं है आप खुद कंफ्यूज रहोगे सारी जिंदगी। इसकी वजह से आपको मजे उड़ाने के बावजूद जो बेसुकूनी होगी वो बेसुकूनी दुनिया में कोई मोटिवेटर आपकी दूर नहीं कर सकता। इसलिए कि सफर बहरहाल सफर है, आपको यह एहसास रहेगा कि मरने वाला हूं, बूढ़ा होने वाला हूं, सब खत्म होने वाला है, बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, कमर झुक रही है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, ये सब अलामतें हैं इस बात की कि जिंदगी की बहारें अब आपको खुदा हाफिज कह रही है कि हम जा रहे हैं, बस अब ये जिंदगी किसी और के मुकद्दर में अगली नस्ल को मिलेगी। दिल का उम्मत उनकद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, अल्लाह फरमाते हैं एक उम्मत है जो गुजर जाती है अपने अमाल को लेके कब्रों में चली जाती है, जो अमाल किए चले गए और खत्म, अब नई नस्ल पैदा करूंगा और उनको देखूंगा कि वो कैसा अमल करते हैं मुझे राजी करने के लिए और मुझे खुश करने के लिए। ये है वो नजरिया जो इस्लाम हमें बताता है और इस्लाम हमें बोलो भाई सिखाता है। फना होने वाली है, सबसे ज्यादा अपनी बॉडी पे मेहनत फनकार लोग करते हैं फिटनेस के लिए, करोड़ों रुपए अपनी बॉडी पे खर्च करते हैं ये लोग, करोड़ों रुपए जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस स्किन के लिए इतनी मेहनत की उसी अदाकार को स्किन का कैंसर हो जाता है, जिस फिटनेस के लिए इतनी मेहनत की वही फिटनेस आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ना। अभी कुछ दिन पहले एक नौजवान मिला, कह रहे ये जो बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकार आए हैं इन पे मेरा दिल बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे तस्वीर आ जाए तो पागला हो जाता हूं मैं, क्या हो जाता हूं, अब्बा अम्मा की मोहब्बत में कभी भी बावला, हमेशा एतदाल से मोहब्बत की अबू से, अब्बा से जब भी मोहब्बत की सोच समझ के की है, जरूरत से थोड़ी सी भी ज्यादा ना हो जाए, जितनी अब्बा की जेब से पैसे निकालने के लिए जरूरी है बस उतनी मोहब्बत होगी अब्बा से। क्या ख्याल है भाई, अगर अब्बा पैसे नहीं दे रहे तो क्या करना है, जैसे हिंदुओं का भगवान है ना, अगर वो हाजत पूरी नहीं कर रहे तो कोई उठा के भगवान को चलो निकले यहां से, अब्बा का भी मामला क्या हो गया है। इस तरह मियां अगर बेगम को पैसे देता रहे बेगम साहिबा सलूट कर, जहां पैसे आना बंद हुए बेरोजगार हो गया मामला क्या हुआ, बेगम साहिबा का भी जब तक हुस्न व जमाल है मियां साहब को अच्छी लग रही है, थोड़ी सी उम्र ज्यादा हुई तो ऑफिस में जो दाएं बाएं परियां बैठती हैं उनसे दिल बहला, अब तो बल्कि उल्टा ही हो रहा है, बेगम अच्छी भली खूबसूरत है फिर भी लड़कियों से दिल बहला रहा है। वो तो पुराना जमाने में बेवफा लोग थे, तो बेगम बूढ़ी हो गई तो इधर उधर
आंख पटक के शुरू कर दी है। अब इतना इंसान बेशरम बन गया है कि अच्छी भली खूबसूरत बीवी के होते हुए भी वो नजर कहाँ डालता है, गंदगी में। तो मोहब्बत जज्बाती नहीं होती, ना अब्बा से, ना अम्मा से, ना बेगम से, ना बच्चों से। खूबसूरत अदाकाराओं से क्या हो रही है, एकदम पागल हो गए, बर्दाश्त नहीं होता उससे। तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा कि आप जो अदा जिन अदाकारों को तो देख रहे हैं ना ये चीजें, मैंने कहा 1975 की किसी मिस को लिया करो, जो क्या कहते हैं मिस इंडिया बनी थी, जो जीती थी ना मुकाबला हुसन, और देखो 2018 में वो कैसी लग रही है। जो 1975 में थी अगर वो जिंदा है तो देखो अब वो 2018 में। तो मैंने कहा 1975 में लोग उसके आशिक थे, अब उन आशिकों से कहो कि अब इससे इश्क करके दिखाओ। बोले कि अल्लाह की पना बुढ़िया, यहां से चली जा। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी पतली गली से निकाल देते हैं, बोले अब आप हीरोइन नहीं बन सकती, कुछ वक्त तक दादी बनाएंगे, उसके बाद आप दादी बनने के काबिल भी फिल्मों में हीरो की दादी बन सकती हो, वो भी 2000 में। 2018 में दादी बनने के काबिल भी, दादी के लिए भी कुछ कुछ आसाब का बहाल होना। अब आप बात करती हैं तो मुझसे क्या गिर जाती है, पत्ती भी नीचे गिर जाती है। आपको एक डायलॉग दो तो 6 महीने तो वो डायलॉग याद करवाने में लगते हैं। स्क्रिप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कह रहा हूं, सॉरी, वो याद करवाने में 6 महीने लग जाते हैं। ये है जिंदगी। और फिर जिन बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं पर मैंने कहा आप आशिक हो रहे हैं, उनकी तो चिताओं को जलाया जाएगा। सोच लिया करो, जिस बुत पे हम मर रहे हैं थोड़े दिन में इसकी चिता को आग लगने वाली है। हिंदू तो और इबरत का, मुसलमान तो फिर भी गुस्ल दे के इज्जत के साथ किबला रुख करके दफना के चले जाते हैं, बाद में पता नहीं क्या होता है। अल्लाह बाज दफा मैयत का जिस्म सलामत ही रख लेते हैं, ऐसा भी बहुत हुआ है। लेकिन हिंदुओं के पास तो बॉडी को सलामत रखने का ऑप्शन ही, बोलो भाई, खत्म। चिताओं को क्या लगाई जाती है, आ तो मोहब्बत हो तो उस चिता को राख बना के स्प्रमा लगा लिया करो, ठीक है ना। फना खत्म, सब उसनो जमाल, वो डिस्टेंपर जो था ना वो क्या हो गया, बोलो भाई, खत्म। इसलिए अल्लाह ताला को ये वाली मोहब्बत पसंद नहीं। हाँ, एक हद तक अल्लाह ने इंसान के दिल में ये रग़बत रखी है ताकि वो निकाह कर सके, बस इस जरूरत की हद तक रखी है। इससे ज्यादा खूबसूरत चेहरों पे मरना, एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि दम हसीनों का भर रहा है, जो मरने वालों पे मर रहा है बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है। मरने वाली चीज़ों पे मर रहा है तो तेरा ज़ौक़े नज़र बुलंद नहीं है, बहुत छोटी सोच है तेरी। जो खुद मरने वाला हो उस पे कौन मरता है भाई। लोगों ने, आशिकों ने माशूकों के लिए खुदकुशियां कर ली, वही खुदकुशी करके वो माशूका भी थोड़े दिनों में क्या हो जाती है, मर जाती है, वो भी कब्र में पड़ी है, सड़ गई लाशें, इसके लिए, इस गंदगी के लिए तू खंभे से लटका था। तो खैर, मैं बात को समेट के खत्म करता हूं। क्या बात चल रही थी भाई, कोई पॉइंट? हाँ, ये तो असल बात मैंने शुरू की थी ना, इधर कहां से जा रहा हूं। खैर, मैं यस कर रहा था कि देखो भाई, दुनिया में अल्लाह ने जो असल कामयाबी बताई है वो क्या है, आखिरत। अगर आखिरत को असल वतन बनाओगे फिर मौत के वक्त खुशी भी होगी और हकीकी हसरत भी होगी। फिर मौत के वक्त सोचोगे बामाना जिंदगी गुजारी है तो फ्यूचर को देख के खुश होगे कि अब इंशाल्लाह फरौहुं व रैहानुं व जन्नतुन नईम, अब अल्लाह ने इंशाल्लाह आखिरत का मामला कैसा करना है, अच्छा करना है। क्योंकि इंसान माजी को देख के खुश नहीं होता, वो माजी जिसका फ्यूचर से लिंक हो उस माजी को देख के खुश होता है जिसका फ्यूचर पे असर पड़ रहा हो।
ये जो गोरे कहते हैं ना कि हम मौत के वक्त देखेंगे अच्छी जिंदगी गुजरी तो सुकून से, ना 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 ना, आपको पता है जब मैं खत्म हो रहा हूं तो क्या सुकून मिलेगा भाई? सुकून मुसलमान को मिलता है मरते वक्त, जब उसे ये एहसास होता है कि अच्छी जिंदगी गुजार के जा रहा हूं, लिहाजा आइंदा ठिकाना कैसा होगा? अच्छा होगा, आइंदा को देख के खुश होगा वो, चाहे मुझे दुनिया मिली नहीं मिली लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है, टाइम को समंदर के किनारे सिगरेट पी के जाया नहीं किया। समझ में आ रही है बात? और अगर बामाना जिंदगी नहीं गुजारी होगी तो फ्यूचर को देख के गमजदा होगा कि अब आयदा आने वाला मामला मेरे साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजारी, वक्त को समंदर के किनारे सिगरेट पी के सिगरेट के कश ले लेके जाया किया है, लिहाजा मेरा फ्यूचर मरने के बाद की जिंदगी अच्छी नहीं है। तो मौत के बाद की जिंदगी का तसव्वुर अगर निकाल दोगे तो ये जिंदगी बेढंगी हो जाएगी, इसमें आदमी अपने आप को धोखे देता रहेगा और खुश रखने की बदतकल्लुफ कोशिश करेगा मगर खुश रह नहीं पाएगा। समझ में आ रही है भाई बात? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी अल्लाह से डरते रहे हैं, इतना खौफ कि अल्लाह के खौफ से रोते रोते आंखों पे ना आंसुओं के निशान पड़ गए थे चेहरे पे, हालांकि कोई गुनाह नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, डर खौफ ताकि बामाना जिंदगी गुजारे। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो सहाबा से कहा कि मुझे उम्मीद की बातें करो मेरे सामने, इसलिए कि मैं अल्लाह से जो डरता था इसलिए ताकि अमल अच्छा हो जाए, अब अमल का दरवाजा बंद, अब डरने का फायदा नहीं है। ये इस्लाम की तालीमात है कि मरते हुए आदमी को उम्मीद दिलाओ, भाई भी बामाना या बेमाना छोड़ो अब उसको, अब क्या करना है, जो कोताहियां हो गई तौबा करो और अल्लाह से अच्छी रहमत की उम्मीद लगाओ। तो मुसलमान मरता भी अच्छा है, मरता भी अच्छा है, इसलिए कि अब उसको शरीयत क्या कहती है, भाई अमल का दरवाजा तो बंद, अब डरने का फायदा नहीं है। तभी हदीस में आता है कि मरते हुए आदमी को उम्मीद दिलाओ, उससे खौफ की बातें मत करो। हजरत उमर की जब शहादत का वक्त आया, मौत का वक्त आया, तो सहाबा से कहा कि क्या करो मेरे सामने उम्मीद, मेरे अच्छे अमाल मेरे सामने लाओ। जब हम आम हालात में होते हैं तो अपनी अच्छाइयों की तरफ नजर रखने का हुक्म नहीं है, अपनी अच्छाइयों को ना देखो, बुराइयों को देखो, अच्छाइयों को सिर्फ इतना ताकि उससे अगर बिल्कुल ही नाउम्मीदी हो रही है तो फिर अच्छाई देखे। असल हुक्म क्या है, अपनी अपना मुहासबा। सारी जिंदगी हजरत उमर अपनी बुराइयों को तो थी नहीं उनकी नजर में, जिसको वो बुराई समझते थे वो देखते रहे। मौत के वक्त सहाबा से कह रहे हैं कि मुझसे उम्मीद की बातें करो, जो मेरे कोई अच्छा अमल हो तो वो सामने लाओ। सहाबी ने फरमाया कि आपने जब इस्लाम कमजोर था, अल्लाह ने आपके जरिए इस्लाम को, बोलो भाई, ताकत दी, ये आपकी नेकी है। बहुत हजरत उमर सुन रहे हैं, मना नहीं कर रहे कि नहीं चुप खामोश, मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो, बोल लेती, हाँ बोलो, ताकि मुझे अल्लाह की रहमत से, बोलो भाई, उम्मीदें हो, क्योंकि अब अमल खत्म, अब अगर गम के साथ रूह निकलेगी तो क्या फायदा भाई, तो अच्छी बातें करो। फिर बताया कि आपने इस्लाम को ऐसे ताकत दी, आपने मुसलमानों की खिलाफत का हक अदा कर दिया, अदल के साथ हुकूमत की, इतनी खूबियां बयान की कि आप जंगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़े हैं, सारी खूबियां बयान की। इसके बाद हजरत उमर क्या फरमाते हैं कि अगर इन नेकियों के बदले में अल्लाह सिर्फ मुझे जहन्नम की आग से बचा ले तो मुझे मंजूर है, यानी मैं ही नहीं समझता कि मेरी नेकियां मुझे जन्नत में पहुंचा देंगी, इतना भी हो जाए कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। वो तबीयी तौर पर खौफ का गलबा था, तबीयी तौर पर जो वो काबू नहीं रख पा रहे थे। तो इस्लाम ने क्या बताया है कि जब तक मौत नहीं है डर खौफ को गालिब रखो, डर को, अपनी बुराइयों को देखो, और जब मौत का वक्त आए तो फिर उम्मीद को, बोलो भाई, गालिब रखो, क्योंकि अब अमल खत्म, अब डर के करना क्या है, अब रहमत की बातें करो, अच्छे अमाल को सोचो उस वक्त, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करता रहे इंसान।
तो खुलासा ये निकला, फिर दूसरा जो टॉपिक था वो अगले जुमे इंशाल्लाह लेके चलूंगा कि जो गैर मुस्लिम जो बुतों की इबादत करते हैं वो गॉड को गॉड या भगवान को भगवान इसलिए मानते हैं कि भगवान उनके दुनिया के काम बनाता है, जबकि हम अल्लाह को अल्लाह इसलिए मानते हैं कि वो दुनिया के काम बना सकता है, ताकत उसी के हाथ में है, बनाए या ना बनाए ये इख्तियार किसके पास है, अल्लाह। लिहाजा गैर मुस्लिम अगर गॉड उनके काम करे तो मानेंगे गॉड को, अगर नहीं करे तो उसी गॉड को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। एक एथियस मेरे पास आया, मैंने कहा कि तुम क्यों अल्लाह के मुनकर हो, कहने लगा मेरी माँ बचपन में मर गई थी, मैं परेशान हो गया तो अल्लाह ने मेरी माँ को क्यों मारा, अल्लाह ने मेरी माँ को क्यों मारा, इसलिए मुझे मैंने अल्लाह ही का इनकार कर दिया। तो चूंकि वो कहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं अल्लाह वो करे, फिर हम अल्लाह को मानेंगे वरना हम अल्लाह को नहीं मानेंगे। वो जो होटल पे बैंकॉक के होटल पे बिल्ली बैठी हुई है पब्लिक को बुलाने के लिए, अगर वो ना बुलाए तो बिल्ली को उठा के कहां फेंक देंगे, वो जो भगवान है ना बिल्ली समुद्र में फेंक देंगे। हम ये कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है मगर करता वो है जो चाहता है, जिसका इरादा करता है, वो हमारे काम बनाते तो भी अल्लाह है, नहीं बनाए तो भी अल्लाह है। सवाल पैदा होता है जब वो हमारे काम नहीं बना रहा तो अल्लाह तो है मगर फिर उससे मोहब्बत क्यों करें भाई, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो मोहब्बत क्यों करें, मोहब्बत इसलिए करें कि हमें पता है कि वो जो नुकसान पहुंचा रहा है वो इस दुनिया का नुकसान है, इस दुनिया का नुकसान के बाद वो हमारे फ्यूचर को बना रहा है, क्योंकि उसने बार बार ऐलान किया है सबर करोगे तो क्या करूंगा नवाजूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे तो अपनी नेकियों के जो नतीजा देखेंगे समरात देखेंगे तो इतना अजर देखेंगे वो कहेंगे अल्लाह हमने तो ये नेकियां की ही नहीं है, हमारे तराजू में इतना अजर कैसे। अल्लाह कहेंगे फला मौके पर तुझे तकलीफ पहुंची थी तूने सबर किया, ये उस सबर की नेकी। फला मौके पर फला तकलीफ पहुंची तूने सबर किया, ये उसकी नेकी। फला मौके पर तेरी औलाद के साथ ऐसा हुआ सबर किया, ये उसकी नेकी। फला मौके पर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इंसान के तसव्वुर में ही नहीं होगा कि इतने गम जो दुनिया में मुझे मिले ये सारे मीजान के तराजू में नेकियां भर के जमा हो रहे थे। तो वो कहेगा कि काश मैंने जिंदगी में खुशी ना देखी होती और मेरी सारी जिंदगी टेंशनों में ही गुजरी होती तो आज मैं कितना ज्यादा तरक्की कर जाता। यही वजह है कि मुसलमानों में खुदकुशी का रेशो कम है और गैर मुस्लिमों में खुदकुशी का रेशो ज्यादा है। जो मुसलमान खास तौर पर दीन के करीब होगा वो गम में ये सोच के सबर कर लेगा कि इस गम का बदला मुझे आखिरत में मिलने वाला है। अल्लाह ने पैगंबरों को गम दे के नवाजा है, याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जो इतना एहतमाम से तज़किरा आया इसलिए आया कि बचपन में औलाद बिछड़ गई थी इस गम में उन्होंने सबर किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो इतने बड़े पैगंबर बने इसलिए कि बचपन में बाप से बिछड़ गए थे और जेल की जिंदगी में जवानी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार दिया मगर सबर किया। उस सबर की बरकत क्या है कि अल्लाह ने पूरी सूरह यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे नाजिल कर दी। तो मुसलमान गम में नाउमीद नहीं होता, और यह भी उम्मीद होती है कि अल्लाह इस गम को दुनिया में भी दूर कर सकता है। गैर मुस्लिम देखेगा असबाब के ताने बाने मिलाएगा, वो कहेगा असबाब की दुनिया में गम दूर होने की उम्मीद नहीं है लिहाजा मायूस। मुसलमान जानता है कि अल्लाह गम दूर करने की ताकत रखता है, तमाम असबाब के नाकाम होते हुए भी वो मुझे कामयाबी दे सकता है। तो भाई समझ में आ गया हम अल्लाह को अल्लाह किस वजह से मानते हैं, वो हमारी हाजत पूरी करे या ना करे, दोनों सूरतों में वो क्या है अल्लाह है, और दोनों सूरतों में उससे उसे सिर्फ अल्लाह नहीं मानना खुदा नहीं मानना साथ साथ उससे मोहब्बत भी करनी है क्योंकि वो हमारा खैरख्वाह है। और वो इम्तिहान लेता है कि तुम मुझे अपना खैरख्वाह समझते हो कि नहीं समझते, लिहाजा वो नुकसान भी पहुंचाता है, नुकसान पहुंचा के देखता है कि अब है ईमान, क्योंकि जब तक दूध जलेबी मिलती रहेगी तो मजनू लैला पे आशिक रहेगा। क्या ख्याल है भाई, जब तक दूध जलेबियां मिलती रहेगी तो वो तो बीवी भी शौहर पे आशिक रहती है, शोहर भी बीवी पे आशिक रहता है जब तक मफाद हो। तो अल्लाह को कौन अल्लाह मानता है वो तो पता ही उस वक्त चलता है
جب آپ کی مرضی کے خلاف اللہ کے فیصلے شروع ہو جائیں. لیکن دعا بہرحال یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر والی نہیں بلکہ شکر والی زندگی دے اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرے. کیونکہ ہم بندے ہیں, ہم اللہ سے مقابلہ بازی اور امتحان نہیں چاہتے, ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ عافیت چاہتے ہیں. تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ ہمیں غم نہ دے, ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. ہم بندے ہیں, ہم عافیت والی زندگی تجھ سے چاہتے ہیں. پھر بھی اگر دعاؤں کے باوجود غم آ جائے تو اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.